फिर हम लोग क्लास 12 इंग्लिश सेकेंड के लेसन 3 के ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाबू। आज जो हमारे पास चीज़ होगा ना उसका नाम होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूव टू। यही आज का प्रमुख हेडिंग रहेगा मेरे दोस्त। रिमूव टू का मतलब होता है टू को हटाना। रिमूव का मतलब होता है हटाना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसको कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब टू आया हो तब सूत्र, जब टू आया हो तब सूत्र। तो देखिए जब टू आएगा ना तो इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट। लिखना ध्यान से, पूरा लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस टू नहीं इज, ये नहीं है इज, ये आवाज प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देगा कि रिमूव टू यानी आपको टू को हटाना है। तो टू को हटाने के लिए जब आप लिख सकते हैं कि जब टू हटाते हैं, जब हम लोग टू का क्या करते हैं हटाने हैं, तो हमारे पास जो सूत्र निकल कर आता है बाबू सब्जेक्ट होगा, समझ रहे हैं, प्लस इज आवाज होगा, प्लस सो होगा, प्लस एडजेक्टिव होगा, और प्लस डैट होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट जब लिखिएगा ना तो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में लिखिएगा। प्रोनाउन का मतलब होता है कि अगर राम यहाँ पर है तो ही लिखाएगा, श्याम है तो सी ही लिखाएगा, सीता है तो सी लिखाएगा। आप प्लस, अब देखिए प्लस आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैन नाट या कुड नाट, कैन नाट या कुड नाट। आप प्लस क्या लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। देख लेना, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज वाज प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैट प्लस सब्जेक्ट, प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं, प्लस के नट या कुड नट। अच्छा, ऐसा लगता है कि वाक्य में इज आया होगा ना तो आप के नट के यूज करेंगे, और वाक्य में अगर वाज आया है तो आप कुड नट का प्रयोग करिए। तो देखिए हमारे पास दो टू है, देखिए ये टू जो देख रहे हैं ना आप इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर सो आ जाएगा, ये वाला हिस्सा देखिए आ जाएगा। समझ रहे बात को, यानी जब आप टू हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। आज जब हम लोग ये वाला हिस्सा को हटा देंगे और पूरा ये डैट जब सब्जेक्ट तब प्रोनाउन के नाट या कुड नाट, के ईज रहेगा तो के नाट, वाज होगा तो कुड नाट का आप इस्तेमाल। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कोई वाक्य जब दिया होगा तो उस वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई वाक्य दिया होगा तो उसको आप बनाएंगे। फार्मूला आपको मालूम हो गया, समझ रहे हैं चीज़ को। पहला हम लोग देखते हैं, पहला आपके पास है सी इज टू वीक टू वर्क, सी इज टू वीक टू वर्क, सी इज टू वीक टू वर्क। आपको क्या करना है, जो बनाने के लिए देगा कहेगा रिमूव टू, माने आपको बोर्ड में ऐसे लिख देगा रिमूव टू। इसका मतलब होता है कि आपको टू को हटाना है मेरे दोस्त। आप इसको बनाएंगे, आंसर जब लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला बात है कि आपके पास जो टू होगा ये वाला हिस्सा, ये टू आपका हटेगा और ये वाला टू दोनों हट जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह हटाइएगा जो नियम होगा उसके अनुसार। तो पहले सी लिखेंगे, तब इज लिखेंगे, हाई टू के लिए सो लिखेंगे, तब आप वीक लिखेंगे, आराम से समझिए बाबू, तब डेट लिखिएगा यहाँ पर, और तब सब्जेक्ट सी बात तो सी लिखिएगा, और जब इज बनू तो नियम में कहा था के नाट नू तो यहाँ पर के नाट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी जो बचा है वर्क तो वर्क लिख देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। बन गया ना, बहुत सिंपल था आपका, आराम से बना सकते हैं। अच्छा कुछ और देखते हैं, ही इज टू ओल्ड टू रन, मान लो जो दूसरा एग्जांपल है, ही इज टू ओल्ड टू
ओल्ड टू रन, ऐसा दिया गया है। अच्छा, इसको भी जब आप, ये भी आपका रिमूव टू कहेगा, इसका भी आपको आंसर लिखना है। तो क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें जो ये टू है और ये टू है दोनों हट जाएगा। तो आप जब इसको लिखिएगा तो ही इज, ये जो टू है सो में बदल जाएगा, ओल्ड लिख दीजिएगा, फिर ये जो टू देख रहे हैं आप पहले डेट लिखिए, तब ही लिखिए, तब के नाट लिख दीजिएगा, तब जो रन है रन लिखेंगे, फुल स्टाफ हो जाएगा मेरे दोस्त। आसान है, थोड़ा सा बस समझना है, उसके बाद आपका ये निकल जाएगा। थ्री नंबर आते हैं, थ्री नंबर देखते हैं। कह दिया कि द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, द फादर इज टू वीक टू हिज कंट्रोल सन्स, कंट्रोल सन्स, कंसोल लिखते हम लोग हैं, आसान है कि नहीं। क्या करना है आपको, डबल टू, ये टू हट जाएगा, ठीक है, और जो ये टू देख रहे हैं ये दोनों हट जाएगा। तो कैसा बनेगा आपका, देखिए आप लिखेंगे द फादर, बाकी सब तो वैसे ही लिखना है ना, द फादर, ठीक है, तब तो आप लिखिएगा इज, तब